एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगानी है। वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उसके सामने गांव होता है। अब उसके पास कोई दो ऑप्शन होते हैं, एक के वो सड़क के रास्ते से घूम के उस गांव तक पहुंचे, जिसमें करीब करीब 8 घंटे लगेंगे क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है वहां तक जाने का। दूसरा सिर्फ 30 मिनट में एक नाव में बैठ के उस नदी को पार करके उस गांव तक जाया जा सकता है। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी, एक तरफ आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा हुआ था। तो नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से कहा, हाथ जोड़ के, नहीं साहब, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है, मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और तब ही मेरा स्कूल छूट गया। ये सुन के उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, अभी कुछ ही दिन बाद ये सामने जो जमीन दिख रही है, यहाँ पे मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बॉटल्स बनेंगी। उस नाव वाले को ये बात समझ में नहीं आई, उसने कहा, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला, अरे हमारी पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गाँव में नहीं बिकती, शहरों में बहुत बिकती हैं। अरे कभी तो तू शहर गया होगा तो तूने देखी होंगी पानी की बोतलें रखी होती हैं दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं हूँ। तो फिर वो बिजनेसमैन उस पर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं शहर क्या होता है, अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी ये बात सुनकर गांव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से नाव से उसका ध्यान हटा और तभी नाव की टक्कर हुई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ में आ गया अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने वाला था। तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा के बोले, ऐसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी ये बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़ कर उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, साहब आप घबराएं नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है, आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। और उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हम बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें जिंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब, कहां और कैसे किसकी जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें।